नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर हमारी ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताने आया हूं वृषभ लग्न के अंदर शनि का 12 भाव में फल। प्रिय दर्शकों, शनि वृषभ लग्न के अंदर जबरदस्त राजयोग कर्ता ग्रह है क्योंकि नवम और दसम भाव का मालिक है। शनि की 3 दृष्टियां होती है, 3री, 7वीं और 10वीं। ये मैं जितनी भी बातें बताऊंगा उसका फल कब मिलेगा, जब शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा, सूक्ष्म दशा आएगी तब इसका फल मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, आइए देखते हैं वृषभ लग्न के अंदर भाग्याधिपति और कर्माधिपति शनि जब लग्न में बैठ जाता है तो बंदा बड़ा भाग्यवान होता है, बहुत ही मेहनतू होता है, एक अच्छा बिजनेसमैन बनता है, जो भी काम करता है उसमें काफी ऊंचाइयों को सर करता है। व्यक्ति अगर शनि पीड़ित हो तो स्वार्थी, लालची और गंभीर होता है। शनि की दृष्टि यहां पे होने की वजह से भाई बहनों का भी सुख अच्छा मिलता है, पत्नी का सुख अच्छा मिलता है और आदमी बहुत मेहनतू होता है। प्रिय दर्शकों, शनि जब दूसरे भाव में बैठ जाता है तो यहां पे मित्र राशि का हो जाता है, व्यक्ति को कुटुंब का सुख बहुत अच्छा मिलता है, व्यक्ति की वाणी में बहुत ही प्रभाव होता है, व्यक्ति बहुत मेहनत करके पैसे कमाता है और उसे बचत भी करता है, वो अपने बिजनेस की सेल्समैनशिप में बहुत ही सफल होता है, वो अपनी वाणी से बिजनेस को बहुत बढ़ावा देता है, माता का सुख भी अच्छा मिलता है, आयुष्य भी अच्छा होता है और मित्रों से भी लाभ होता है। शनि तीसरे भाव में बैठा हो तो यहां पे शत्रु राशि का है, बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा, भाई बहनों से मतभेद करवाएगा, बंदा बहुत मेहनत करेगा लेकिन मेहनत का फल नहीं मिलेगा और उसको हर जगह पे दिक्कतें, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, उसकी भाग्य की वृद्धि को भी तकलीफ देगा, बच्चों के सुख में भी देरी करेगा और उसको पैसे कमाने के लिए विदेश जाने का योग बनेगा और विदेश जाके उधर पैसे कमाने पड़ेंगे। शनि चौथे भाव में हो तो परम शत्रु की राशि में बैठा है, यहां पे बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा। ऐसे लोगों को ज्यादातर जूने मकान खरीदने का योग बनता है, जूनी गाड़ी खरीदने का योग बनता है और शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आती है तब उनको जमीन जायदाद में प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, उनके वाहन में प्रॉब्लम होते हैं, उनके घर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ये शनि जब यहां देखता है तो तंदुरुस्ती को हानि करता है, बिजनेस को हानि करता है और व्यक्ति की पर्सनैलिटी को कमजोर करता है। प्रिय दर्शकों, शनि पंचम भाव में मित्र राशि का होने के वजह से बहुत अच्छा फल देगा, संतान का सुख बहुत अच्छा देगा, पहली पुत्री का योग बनाएगा, शेयर, सट्टा, जुगाड़ ये सब में पैसा इन्वेस्ट करने से फायदा होगा। भाग्याधिपति जब भाग्य स्थान में बैठे, यानी भाग्याधिपति भाग्य से भाग्य स्थान में बैठे तो बहुत अच्छा फल देता है, इनके बच्चे बड़े नसीबदार होते हैं और इनके बच्चों के जन्मने के बाद उनका भाग्योदय होता है, उनकी पढ़ाई अच्छी रहती है, इंजीनियरिंग में लाभ होता है और ऐसे लोगों को शिवजी की पूजा करने से बहुत फायदा होता है, पत्नी का सुख भी अच्छा मिलता है, मित्रों का सुख भी अच्छा मिलता है, धन का सुख भी अच्छा मिलता है। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। भाग्याधिपति शनि छठवें स्थान में बैठ के उच्च का होता है लेकिन स्थान अच्छा नहीं है, इसलिए यहाँ पे मिश्र फल मिलेगा। ऐसे लोगों को नौकरी करने से बहुत लाभ होता है, अपने नौकरों से बहुत फायदा होता है, इन लोगों की तंदुरुस्ती बहुत अच्छी होती है, विदेश यात्रा के योग बनते हैं और ऐसे लोगों की आयु लंबी होती है, ऐसे लोगों को भाई बहन के साथ मतभेद, टकराव, खिटपीट करवाता है, लेकिन ऐसे लोगों को एसिडिटी, गैस ट्रबल, कब्जियात जैसी तकलीफें होती है और भाग्य को थोड़ा कमजोर किया जाता है, हर चीज देरी से मिलती है, बहुत मेहनत करने के बाद मिलती है, मेहनत का फल कमजोर कर देता है, भाग्य का फल कमजोर कर देता है, लेकिन हाँ उच्च का होने की वजह से फल अवश्य मिलता है और अच्छा ही मिलता है, यानी कि शनि छठवें भाव में काफी हद तक अच्छा फल देगा। शनि सप्तम भाव में दिशाबली हो जाता है, भाग्याधिपति शनि जब सप्तम भाव में बैठा हो तो बहुत नसीबदार पत्नी मिलती है, शादी के बाद भाग्योदय होता है, शादी के बाद बिजनेस करने के योग बनते हैं, ऐसे व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, माता के सुख में वृद्धि करता है। जिसके भी सप्तम भाव में शनि बैठा हो तो ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में फायदा होता है। सप्तमाधिपति मंगल अगर उच्च का हो तो वैवाहिक जीवन में 4 चांद लगा देता है और अगर सप्तमाधिपति मंगल अगर अशुभ स्थानों में बैठा हो तो विवाह में कंकास, कलेश, अशांति, झगड़े बढ़ा देता है। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ते हैं।
भाग्याधिपति और कर्माधिपति अष्टम भाव में बैठा हो तो भाग्य की हानि करते हैं, कर्म की हानि करते हैं, धन का नाश करते हैं, बच्चों की पढ़ाई में रुकावटें करते हैं, एजुकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, पेट में एसिडिटी गैस ट्रबल का प्रॉब्लम बढ़ाता है। अष्टम भाव में शनि बिजनेस में बार बार रुकावटें तकलीफें पैदा करता है, नसीब भी उनका साथ नहीं देता, लेकिन हाँ वो लोग ज्योतिष विद्या गुड विद्याओं में रसिक होते हैं। प्रिय दर्शकों, शनि नवम भाव के अंदर स्वग्रही हो यहाँ पे बहुत ही अच्छा फल देगा, भाग्य की वृद्धि करेगा, भाई बहनों के सुख में वृद्धि करेगा, मित्रों के सुख में वृद्धि करेगा, लाभ में वृद्धि करेगा और उन लोगों की तंदुरुस्ती भी अच्छी होगी, शत्रु पे विजय प्राप्त करेगा। प्रिय दर्शकों, शनि अगर दशम भाव में हो तो यहाँ पे स्वग्रही बन के शशियोग नाम का राजयोग बनाता है। ऐसे लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्री के मालिक होते हैं, ऐसे लोग फिल्म सिटी में भी बहुत आगे होते हैं, पॉलिटिक्स में भी बहुत आगे होते हैं और जीवन के अंदर बहुत अच्छे कर्म करके अपना जीवन सफल करते हैं। माता का सुख अच्छा, विदेश में बार बार यात्रा करने के योग, पत्नी का सुख अच्छा, पार्टनरशिप में फायदा। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। शनि अगर 11वें भाव में हो तो भाग्याधिपति और कर्माधिपति लाभ में हो तो भाग्य का लाभ होता है, कर्म का लाभ होता है, मित्रों का सुख अच्छा मिलता है, पहली कन्या का योग बनता है, पर्सनालिटी को बहुत अच्छा करता है और शनि 11वें स्थान में हो तो ऐसे लोग करोड़ोंपति होते हैं। प्रिय दर्शकों, भाग्याधिपति और कर्माधिपति 12वें स्थान में नीच का हो तो भाग्य की हानि करेगा, कर्म की हानि करेगा, पैसा कमाने के लिए विदेश में जाना पड़ेगा, धन का बहुत व्यय होगा, कायदा कानून कोर्ट कचहरी में नुकसान होगा, वाणी में कटुता पैदा करेगा, कुटुंब से रिश्ते खराब करेगा, तंदुरुस्ती खराब करेगा, एसिडिटी गैस ट्रबल बड़ी बड़ी बीमारियां देगा और ऐसे लोगों को भाग्य की भी हानि होगी। प्रिय दर्शकों, जब भी शनि का प्रेडिक्शन करना हो तो षडबल की मदद लेना, जिसमें स्थान बल, काल बल, दिशा बल, ये सब की मदद लेनी पड़ती है। इस कुंडली के अंदर शनि प्रथम भाव में अच्छा फल देगा, दूसरे भाव में अच्छा फल देगा, पांचवें भाव में अच्छा फल देगा, छठवें भाव में अच्छा फल देगा क्योंकि यहाँ पे उच्चका होता है, सप्तम भाव में दिशा बली होने की वजह से अच्छा फल देगा, भाग्य स्थान में स्वग्रही होने से अच्छा फल देगा और यहाँ पे शश योग बनाने से अच्छा फल देगा। प्रिय दर्शकों, और भी डीप में जाना हो तो षडवर्ग साधन, सप्तवर्ग साधन, षोडश वर्ग साधन की मदद लेनी चाहिए। और भी डीप में जाना है तो डिविजनल चार्ट 1 से लेकर 60 तक का अभ्यास करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करना, जरूर सब्सक्राइब करना। नमस्कार।